सो हे गाइस, यमा FZ V4 लॉन्च हो चुकी है और लोगों ने मॉडिफिकेशन करना भी चालू कर दिया है। तो कुछ मॉडिफिकेशन की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो जो पहला मॉडिफिकेशन मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप चाहो तो यूनिवर्सल वाइजर भी अपने FZ V4 में लॉन्च कर सकते हो। उसका जो लुक है वो कुछ ऐसा आता है और ये लगभग आपको पड़ता है 280 रुपये का, और इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो FZ V2 का भी वाइजर अपने FZ V4 में बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन दिक्कत आपको ये आती है कि आपको दोनों वाइजरों में होल करना पड़ेगा और इस FZ V2 की प्राइसिंग लगभग आपको पड़ती है 150 से 200 के बीच में। और इसके बाद जो तीसरा मॉडिफिकेशन है वो है एक नंबर प्लेट होल्डर का। तो अगर आप FZ V2 का वाइजर या फिर यूनिवर्सल वाइजर यूज करते हो तो जो कंपनी से नंबर प्लेट होल्डर मिलता है वो आप फिट नहीं कर सकते हो वाइजर के पास में, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर मार्केट एक नंबर प्लेट होल्डर। तो ये है हमारा तीसरा मॉडिफिकेशन। तो फिट करने के बाद कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है। इन तीनों मॉडिफिकेशन की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और ऐसे भी मॉडिफिकेशन देखने के लिए चैनल को एक बार जरूर विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।